Assalamu alaikum my YouTube family, how are you all? I hope you all are good. So today we are going to Zurich, Switzerland, और वहाँ पर हम आपको सैर करवाएंगे एक चॉकलेट फैक्ट्री की. So stay tuned and watch the whole vlog. यहाँ पर हम लोग बॉर्डर क्रॉस करके तो स्विट्ज़रलैंड में एंटर हो गए थे और तकरीबन 3 घंटे का सफ़र था जो हम लोगों ने किया था. और कहीं पे बादल आ रहे थे रास्ते में, कहीं पर धुंध थी बहुत ज़्यादा, और कहीं बारिश भी थी और थोड़ी बर्फ़ भी पड़ रही थी. सो इट वाज़ मिक्स ओवरऑल. एंड प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई वॉइस बिकॉज़ मेरा गला बहुत ख़राब है पिछले दिनों से. That's why I didn't upload my vlog. अच्छा, तो यहाँ पर पार्किंग का एरिया बना हुआ था, वहाँ पर रुक कर हम लोगों ने थोड़ा सा नाश्ता किया था क्योंकि हम लोग सुबह जल्दी निकल आए थे, और चाय वगैरह और सैंडविच जो है वो मैं घर से लेकर आई थी. इस एक दिन में हम लोगों ने बहुत सारी मौसम कह लें या व्यूज़ देखे थे, जिसमें धूप भी थी और बारिश भी थी, बर्फ़ भी थी, और इसके अलावा धुंध भी हम लोगों ने एक ही दिन में देखी थी. सो हेयर वी वर अबाउट टू एंटर इन अ टनल, और आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस. जाहिर सी बात है हर बंदे का थोड़ा डिफरेंट ही होता है, लेकिन मुझे याद है जब पहली दफ़ा मैंने टनल में सफ़र किया था तो मुझे लग रहा था कि मेरा सांस बंद हो जाएगा और पता नहीं क्या होगा, अगर यहीं पर ट्रैफिक रुक गई तो हम अंदर ही रह जाएंगे. तो अब मैं सोचती हूँ तो मुझे हंसी भी आती है, लेकिन ये है कि अब जाहिर सी बात है एक दफ़ा आप एक्सपीरियंस करें चीज़ को, फिर उसके बाद ही आपको पता चलता है कि क्या सूरत हाल होगी और उससे कैसे आपने हैंडल करना है. और जो रास्ते में सारे सीन्स आ रहे थे माशाल्लाह, पहाड़ और बादल बहुत ही अच्छे लग रहे थे, और बंदा जब देखता है तो सुभान अल्लाह बोलता है कि अल्लाह ताला की दुनिया कितनी खूबसूरत है, अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत दुनिया बनाई हुई है.
ओके जी, यहाँ पर हम लोग ज्यूरिक सिटी में आ गए हैं और यहाँ एंटर होते ही सिटी में तकरीबन 5 to 10 minutes की ड्राइव पर फैक्ट्री है। अच्छा, हमें जहाँ पे पार्किंग मिली थी तो ये हम लोगों को फैक्ट्री के साथ ही लिंट की जो थी शॉप, हमें उसके पास मिली थी। तो पहले हम लोग शॉप में आ गए थे और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ से पूछ के, बिल्कुल साथ ही फैक्ट्री है, बेसिकली दिस वाज इन द फैक्ट्री एरिया। सो यहाँ पर हम लोग पहले आ गए थे शॉप में और ये देखें आप कितना खूबसूरत इन्होंने डेमो बनाया हुआ है कि किस तरह से काकाओ बीन्स जो हैं वो पहले अफ्रीका से ये लोग शिप में ले जाते हैं स्विट्ज़रलैंड। जो काकाओ बीन्स हैं वो स्विट्ज़रलैंड आके और फिर यहाँ से जो चॉकलेट है वो तैयार की जाती है। सो बेसिकली इन्होंने छोटा सा बनाया हुआ था और पूरी शॉप थी, इसके अंदर डिफरेंट किस्म की चॉकलेट्स वगैरह थी जो कि लोग ख़रीद रहे थे ऑब्वियसली। और इसके अलावा जो है, जो फैक्ट्री की साइट है वो डिफरेंट है, वहाँ पे भी मैं आपको लेकर चलती हूँ थोड़ी देर में। लेकिन मैंने आपको बताया ना, पहले हम लोग यहाँ पर आ गए थे, फिर यहाँ से हम लोग गए थे फैक्ट्री का, हमने विज़िट किया था। जी, फैक्ट्री में एंटर करते ही एक तरफ बार था और सबसे पहले हैरा, अगर आपने एंटर करना है तो आपको टिकट ख़रीदनी पड़ेगी और टिकट की प्राइस जो थी वो थी 15 यूरो। और ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, दिस इज़ रियल चॉकलेट। अच्छा, यहाँ पर बाहर जो है ना, वो एक डिवाइस पड़ी हुई थी, वो आप अगर लेना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप नहीं भी लेना चाहते तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। वैसे मैं उसका पर्पस आगे जाके आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम टिकट पंच करेंगे और हम एंटर करेंगे फैक्ट्री के चॉकलेट टूर के लिए। और सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने देखें आर्टिफिशियल प्लांट्स बनाए हुए थे और जिसके इनमें पूरी स्टोरीज बनाई हुई थी कि किस तरह से अफ्रीका के जो ये दरख्त हैं उनसे काकाओ को इकट्ठा किया जाता है और स्विट्ज़रलैंड लेके आया जाता है। सो ये वाली डिवाइस थी, इसको आपने इसके सामने करना था और लैंग्वेज जो आपने सेलेक्ट की हुई है उस लैंग्वेज में ये आपको पूरी स्टोरी जो है वो सुना देती है ये वाली डिवाइस जो थी वो आपको, इसलिए डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपको अवेलेबल थी, जिसमें भी चाहें आप वो सुन सकते हैं। बस आपको पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, उसके बाद इसके सामने करके और आप इसको सुनते रहें। कोई लोग शोर नहीं कर रहे थे, सारे अपने अपने कानों में लगा के और सुन रहे थे। ओके, यहाँ पर जो है वो चॉकलेट बीन्स पड़े हुए हैं कि ये फर्मेंटेड हो गए हैं और उसके बाद फिर ये डिलीवर किए जाएंगे स्विट्ज़रलैंड में फ्रॉम अफ्रीका ऑब्वियसली। तो नेक्स्ट स्टेशन वाज हाउ डिड चॉकलेट कंकर द वर्ल्ड, इसमें पूरी चॉकलेट की हिस्ट्री सुनाई हुई थी कि किस ज़माने से जो है वो कह लें काकाओ बीन्स की बेसिकली, कि कहाँ से फिर चॉकलेट आजाद होती होती आई थी। और मैंने बिल्कुल भी पूरे वो डिवाइस को प्रॉपरली यूज़ नहीं किया था ऑब्वियसली, तो
मैंने नहीं सुना ये सारी स्टोरीज़ क्या हैं, लेकिन एक जगह पे मैंने सुना था, वो था कि चॉकलेट नहीं बेसिकली जो चॉकलेट बीन्स हैं उनको लोग पहले दवाई के तौर पे यूज़ करते थे एंड So the next station was how did Switzerland become the home of chocolate. इसमें भी फिर से सारी बताया हुआ था किस तरह से मिल्क वगैरह जमा किया जाता है फ्रॉम द विलेज एरिया और उसको फिर जो काकाओ बीन्स हैं उसके साथ मिला के किस तरह से चॉकलेट प्रोड्यूस की जाती है. नेक्स्ट वॉज फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, किस सदी से चॉकलेट बननी शुरू हुई है स्विट्ज़रलैंड में और आज तक बनती आ रही है उसके बारे में था. उसकी मैं वीडियो इतनी ज़्यादा नहीं बना सकी थी क्योंकि वहाँ पर रश था और जगह थोड़ी कम थी, इसलिए फिर वहाँ पर मैं नहीं बना सकी. सो नेक्स्ट स्टेशन वॉज द प्रोडक्शन, जहाँ पर दिखाया गया था कि किस तरह से चॉकलेट को प्रोड्यूस किया जाता है और ये बिल्कुल फ्रेश चॉकलेट थी. यहाँ पर साइड पे इन्होंने स्पून और टिश्यू पेपर वगैरह पड़े हुए थे और लोग अपना अपना स्पून लेके और जो भी वाइट चॉकलेट थी और नॉर्मल चॉकलेट थी एंड डार्क चॉकलेट थी, जो भी आपके पसंदीदा चॉकलेट हो आप उसको चख सकते थे और बहुत ही मज़े की थी वाकई में. और सो नेक्स्ट वॉज दिस स्टेशन, जिसमें ये लोग दिखा रहे थे कि किस तरह से जो चॉकलेट है वो किन मराहल में से गुज़र के वो जो है हम तक आती है. उसके आगे आके यहाँ पर डिफरेंट फ्लेवर्स की चॉकलेट्स थी, बस आपने नीचे हाथ करना था और आपके हाथ में टुकड़ा चॉकलेट का कट के आ जाता था. और जितने भी आपको फ्रूट्स पीछे वो नज़र आ रहे हैं, इन सब फ्लेवर्स की ये चॉकलेट्स थी. और मैंने कौन सी चखी थी, मैंने आई गेस स्ट्रॉबेरी शायद मैंने टेस्ट की थी. यहाँ पर इस एरिया में दिखाया गया था कि किस तरह से मुख्तलिफ़ सदियों में जो स्विट्ज़रलैंड है उसमें चॉकलेट की कह लें इंडस्ट्रीज़ वो बनती गई थी. इसके आगे अगर आ जाएं तो वहाँ पर सारा प्रोडक्शन का वो ख़त्म हो गया था. यहाँ पे ये दो जहाँ पे आपको टॉफ़ीज़ नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली
फ़ोटो बूथ था जिसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस दी जाती थी कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट करके आप अपनी पिक्चर बना लें और फिर यहाँ से आप जितनी मर्ज़ी चॉकलेट्स ले सकते थे। और उसके बाद हम वहाँ से निकल आए थे। दिस वॉज़ द लास्ट स्टेशन। यहाँ पर आपके पास जो टिकट थी आप उसको पंच करते हैं और ये एक बॉल जो है वो निकल कर पूरा सैर करके और फिर आपको एक चॉकलेट दी जाती है। दिस वॉज सो प्रिटी बाय द वे। हेयर इट सीम्स लाइक के ये वाला बॉल ये शेफ कैच करके इसमें से चॉकलेट निकाल कर आपको देता है। ये वाली शॉप फैक्ट्री के अंदर है और इसमें भी डिफरेंट किस्म की चॉकलेट्स आपको मिल जाएंगी और आप कस्टमाइज्ड चॉकलेट भी बनवा सकते हैं। अगर आपको किसी का नाम वगैरह भी लिखवाना है तो वो भी आप लिखवा सकते हैं यहाँ पर। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं घर वापस और इस व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। आप मेरे चैनल को जो भी देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आपने नहीं किया तो, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।